सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में आपको बताएं कि आप फेसबुक पर जो है आप वीडियो अपलोड करते हैं फेसबुक पेज पर, तो वहाँ पे थंबनेल का ऑप्शन आता है, एक कस्टम थंबनेल का ऑप्शन आता है। लेकिन जब आप थंबनेल अपलोड करते हैं ना, तो वो थंबनेल वहाँ पे सेट नहीं हो पाता है। कभी कभी सेट होता है, कभी कभी मोस्टली जो है ज़्यादातर वो हट ही जाता है वहाँ से, मतलब कि सेट हो ही नहीं पाता। फिर हमको जो है सोचते हैं कि यार ये थंबनेल का ऑप्शन दिया हुआ है, थंबनेल तो अपलोड किया था, लेकिन तो ये रैंडमली कोई भी थंबनेल उठा रहा है, जो उन्हें सेट किया वो तो उठा ही नहीं रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि एक आपके पास दूसरा रास्ता भी है कि थंबनेल कैसे लगाना है। आपने एक मेटा सूट जो उसका डेस्कटॉप वर्जन है, वहाँ से आपने जो है थंबनेल लगाना है, और कैसे लगाना है मैं आपको सिखाऊंगा। वहाँ से जब आप थंबनेल लगाएंगे तो हटेगा नहीं, लेकिन जब आप फेसबुक के ऐप से थंबनेल लगाएंगे वहाँ से हट जाता है। बार बार परेशान होते हैं, बहुत से लोग सोचते होंगे यार थंबनेल तो लगाता हूँ मैं, यार थंबनेल लगता नहीं है। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं कि आप कैसे जो है थंबनेल लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट। अब देखिए आप लोग क्या करते हैं कि जैसे कि फेसबुक का पेज आपने ओपन किया, यहाँ पे प्लस का आइकन है ऊपर टॉप पर, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ टॉप के ऊपर, ये देखिए यहाँ पर। तो इस पर आप क्लिक करेंगे और वीडियो अपलोड करेंगे, इस पर क्लिक करते हैं और वीडियो को अपलोड करते हैं। यहाँ से हम ये जो वीडियो है सिलेक्ट कर लेते हैं कोई भी, चलिए मैं यहाँ पर ये वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे वीडियो मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक ऐड थंबनेल का ऑप्शन आ रहा है, मैं आपको दिखाई, ये देखिए यहाँ पे ऐड थंबनेल। तो आप लोग यहाँ से जो है थंबनेल अपलोड करते हैं, पर आप लोगों को यहाँ से थंबनेल अपलोड नहीं करना है। यहीं से आप थंबनेल जब अपलोड करते हैं तो आप लोगों का थंबनेल जो है ठीक तरह से अपलोड नहीं हो पाता है, और रैंडमली कोई भी जो है आपका थंबनेल उठा लेता है। ठीक है, तो आपने यहाँ से नहीं करना है, आपने वीडियो आपने पहले यहाँ से पब्लिश कर देना है। टाइटल वगैरह लिख के जो भी आपने टाइटल लिखना है वो आप इससे लिख के आप इसको यहाँ पर पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद आपको जो है आ जाना है मेटा सूट पे। कैसे, गूगल में जाना है आपने और यहाँ पे लिखना है आपने मेटा सूट। मेटा सूट पे क्लिक कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पर आपके पास आएगा एक फेसबुक बिजनेस मैनेजर, इस पर क्लिक करेंगे आप तो आपका जो है ये फेसबुक पेज जो है आपका खुल जाएगा। तो आपका जो है इसी तरह से खुल जाएगा पेज, अगर जो आपने पेज बनाया होगा। ठीक है, तो इस तरह से खुलेगा। आपने यहाँ पर कॉन्टेंट पर जाना है, यहाँ पे मैं आपको कंटेंट दिखाता हूँ, कंटेंट पे जाना है। कंटेंट पे जाएंगे आप, कंटेंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप कंटेंट पे क्लिक करेंगे आपके सारे वीडियो जो है आपको दिखने लगेंगे। चलिए मैं कर देता हूँ, देखिए मैंने कंटेंट पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे सारे वीडियोज़ आपके इस तरह से शो होने लगेंगे। जैसे कि मैंने अभी लास्ट वीडियो जो अपलोड किया उस पर थंबनेल लगाना है, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे इस तरह से। जैसे क्लिक करेंगे आपके पास एक जो है बटन खुल जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। ये देखिए इस तरह से बटन खुल जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे पेंसिल का, दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो है पेंसिल, ये पेंसिल, इस पर आप क्लिक करेंगे या पोस्ट एडिट पे क्लिक करेंगे। पोस्ट एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, और जैसे आपका ये पेज खुल जाएगा आगे, तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक थंबनेल का ऑप्शन आता है, आप इस पर क्लिक कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है चित्र जोड़े। ये देखिए चित्र जोड़े यहाँ पे, तो आप इस पर क्लिक करेंगे चित्र जोड़े पे, और यहाँ पे ये गैलरी में खुल जाएगा। ब्राउज पे क्लिक करेंगे, जो भी आपने अपलोड करना है यहाँ से कर सकते हैं। उम्मीद है